अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से रहें। तो जैसा कि है बच्चों की छुट्टियां सर्दियों की और मौसम भी काफ़ी सर्द है, तो इस मौसम में बनता है गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। और आज मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ विदाउट अवन। झटपट से हम ये पिज़्ज़ा रेडी करेंगे और गर्मा गर्म इन्जॉय करेंगे। तो नोट करें इसकी रेसिपी। अगर आपको आज की वीडियो, आज की रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो बनाते हैं सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो। पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए हमें जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताती रहूँगी, तो देखते रहे इस वीडियो को एंड तक। सबसे पहले हमने मैदा लेना है 2.5 कप तकरीबन, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई यीस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि यीस्ट इवनली मिक्स हो जाए तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, मेल्टेड बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ 1 अंडा बीट किया हुआ, और इसे हमने गूंद लेना है तकरीबन 1 कप नीम गरम दूध के साथ। और इस डो को हमने कवर करके रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए रेज होने के लिए। सॉफ्ट डो हमारी ये तैयार होगी। अब हम करते हैं चिकन की मैरिनेशन। तो बोनलेस चिकन ली है मैंने क्यूब्स में तकरीबन 350 ग्राम, और इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूंगी टिक्का मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, आप टेस्ट के मुताबिक नमक इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, और 2 से 3 टेबलस्पून सिरका। तो बहुत स्पाइसी सा हमारा चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा रेडी होगा। इसे हमने मैरिनेट कर देना है 2 से 3 घंटे के लिए, और जब ये मैरिनेट हो जाए 2 घंटे के बाद तो हम इसे बहुत थोड़े से 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में इस मैरिनेट की हुई चिकन को 5 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और इसे गलने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 15 मिनट में हमारी सॉफ्ट एंड टेंडर चिकन ज़बरदस्त ही रेडी हो जाएगी। और पिज़्ज़ा पैन रेडी कर लेते हैं तब तक जब तक चिकन रेडी हो रही है। पिज़्ज़ा पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है कुकिंग ऑयल से, और इसमें मैदा भी हमने लाजमी डस्ट करना है ताकि पिज़्ज़ा हमारा नीचे से सॉगी ना रहे। इवनली स्प्रेड कर दें इस मैदे को, तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा आज का पिज़्ज़ा रेडी होगा विदाउट अवन। अवन नहीं है और पिज़्ज़ा बेक करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डो हमारी तैयार हो चुकी है, रेज हो चुकी है। इसे हल्के हाथों से दोबारा थोड़ा सा ऑयल लगा के गूंद लें और इसे फैला लें अपने पैन पे, पिज़्ज़ा पैन पे जितना आप साइज़ रखना चाहते हैं। चिकन हमारी कुक हो चुकी है, इसे हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। कोयला बर्न करके मैंने रखा हुआ है, उसके ऊपर 2 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के डाल के इसे हम कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट तक, ताकि पूरा इसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए और चिकन तंदूरी हमारी ज़बरदस्ती टॉपिंग पिज़्ज़ा की रेडी हो जाए। अब करेंगे पिज़्ज़ा की असेंबलिंग। तो पिज़्ज़ा सॉस मैं लगा रही हूँ, रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ। घर में भी बहुत इजीली पिज़्ज़ा सॉस बनाई जा सकती है, और लेकिन जल्दी हो तो रेडीमेड यूज़ करने में कोई इशू नहीं है। और इसमें हम चिकन तंदूरी लगाएंगे, अच्छी क्वांटिटी लगाएंगे। घर का पिज़्ज़ा इसलिए बेस्ट होता है कि उसमें अपनी मर्ज़ी की हम चिकन ऐड करते हैं, ज़्यादा सारी इसमें चीज़ ऐड करें। बच्चों के लिए चीज़ बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ शिमला मिर्च, ब्लैक ऑलिव्स और अनियंस की टॉपिंग कर रही हूँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। थोड़ा सा और स्पाइसी टच देने के लिए इसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल किए हैं, और लास्ट में ऑरिगैनो। पिज़्ज़ा हमारा बेकिंग के लिए रेडी है। पतीले में मैंने बेक करना है, तो एक पतीले में मैंने रेड डाल के रखी हुई है, इसे प्री हीट कर लेती हूँ मैं। तकरीबन 1/2 आवर मैंने इसको प्री हीट किया है, और इसको अब मैं इसमें पिज़्ज़ा बेक करूँगी तकरीबन 20 मिनट्स में। बहुत ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो ये देखें 20 मिनट्स गुजर चुके हैं, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। इसके फ्लेवर को मज़ीद एनहेंस करने के लिए मैं इसकी टॉपिंग कर रही हूँ मायो गार्लिक सॉस से। जस्ट मायोनीज़ में गार्लिक पाउडर ऐड करना है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करनी है, तो बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी ये सॉस की टॉपिंग रेडी हो जाती है। इससे अपने पिज़्ज़े की टॉपिंग करें तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपका चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। ज़रूर ट्राई करें आज की रेसिपी को, और अपना फीडबैक दें मुझे कमेंट्स में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है, तो इसे लाइक करना मत भूलें।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना फ़ीडबैक दें मुझे कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।